अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आज एक शॉर्ट सी एक ओरिएंटेशन रखी है F7 की, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि क्या है ये पूरा रूट और क्या इसका कहानी है। ठीक है, सबसे पहले एक काम कर लें छोटा सा। ये मैंने आपके सामने इसका पेपर फॉर्मेट, सबसे पहले इसका पेपर फॉर्मेट आपके सामने एक शॉर्ट सा कॉपी कर लें, कुछ आइडिया कर लें। ओके बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये है कि F7 इज बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये एक्सटेंशन है F3 का, यानी अगर आप पूरी ग्रिड देखें ना ACCA की, तो उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो पेपर्स है ना वो कुछ इस तरह के हैं। देखें, मैं जरा चार्ट बता रहा हूँ। F3 है, फिर F7 है, सुनिएगा, फिर उसमें उसके बाद जाके SBR है, फिर इसके बाद जाके आपका P7 है जो कि AAA है। सही है? तो इन सब पेपर्स में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉपर टच मिलता है। इन सारे पेपर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉपर टच आपके सामने होता है। इधर देख लें, सामने देखें तो ये F3, F7, SBR और P7, इस तरह ये पूरा एक चेन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और जहन में रखें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही असल ACCA का दिल है, यानी ACCA के अंदर जो ACCA की जो वर्थ है, इवन ACCA हो गया, ICAP हो गया, आपका देर इज ICAEW हो गया, इन सारी क्वालिफिकेशन की जो वर्थ है वो बिकॉज ऑफ IFRS है, IS IFRS, यानी यही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर्स हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से इनकी ज्यादा वर्थ है, राइट? ओके, क्योंकि वो मोर देन 100 कंट्रीज में वो स्टैंडर्ड्स चलते हैं, तो इस वजह से इनकी रिकग्निशन है। तो ये जहन में रखें, ठीक है? ओके, अब सर, इस पेपर का पासिंग रेट क्या है? इसका पासिंग रेट नॉर्मली Part 2 के अच्छे पासिंग रेट्स में कंसिडर होता है, अच्छे पासिंग रेट्स में कंसिडर होता है। यानी ऐसा बहुत बार हुआ है कि इसका पासिंग रेट 50 को भी टच हुआ है, 50, 49, 52, 48, 47, लास्ट अटेम्प्ट में इसका 44 था, उससे पहले देखो 47 के करीब कुछ था, तो ये अच्छा पासिंग रेट होता है। Part 2 में जो बुरे पासिंग रेट होते हैं ना, वो बुरे पासिंग रेट 30% तक भी जाते हैं, 32-34% तक भी जाते हैं। तो Part 2 का ये बहुत अच्छा पासिंग रेट गिना जाता है। बल्कि एक ये अजम्पशन मार्केट में है, एक ये मार्केट की सोच है कि Part 2 का, गौर से सुने, कि ये एक आसान तरीन इजी टू क्लियर पेपर होता है। F7 Part 2 का इजी टू क्लियर पेपर, वन ऑफ द इजी टू क्लियर पेपर समझा जाता है। ठीक है, ओके, उसकी वजह। अच्छा, एक और बात भी बताऊं, जो बच्चे ए लेवल्स बैकग्राउंड के होते हैं ना, ए लेवल अकाउंट्स, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा रवा पेपर होता है, बहुत आसान होता है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा ए लेवल्स अकाउंटिंग में पढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो उनके लिए इतना इश्यू नहीं होता। एक एक मार्क एक यानी कई सालों की हिस्ट्री बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इंटर वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ए लेवल्स वाले ज्यादा रवा होते हैं उन स्टेटमेंट्स वगैरह बनाने में। ठीक है, अच्छा, आप लोग ये बात जानते हैं, पिछले कुछ सालों से अब आपका पेपर CBE पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी पेपर में
40 मार्क्स पेपर में, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स ऐसे भी होंगे जो आपने टाइप करके प्रेजेंटेशन करके प्रॉपर सबमिट करना होगा, ठीक है। वैसे बाकी 60 मार्क्स तो आपके एमसीक्यूज और ओटी केस होंगे जिसमें टिक टिक करके गुजारा करना है। फर्स्ट 60 मार्क्स में देर इज नो प्रेजेंटेशन, लेकिन लास्ट 40 मार्क्स में यस देर इज प्रेजेंटेशन जो आपने करना होगा, और वो पूरी एक स्किल आप सीख रहे होगे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीख रहे होगे, जो आपको डेफिनेटली आगे इंडस्ट्री में और ऑडिट फर्म में आपको हेल्प आउट करेगी, राइट। ओके, नाउ लुक एट द फॉर्मेट ऑफ द पेपर। पेपर का फॉर्मेट देखें, पेपर में आपके पास यहां देखें, एक सेकेंड, पेपर में आपके पास देखें सेक्शन ए है। सेक्शन ए में यू हैव 15 एमसीक्यूज एट द रेट 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स सवाल। सर ये कहां से आएगा बेटा? ये पूरे कोर्स में कहीं से भी आ सकता है, इसमें कंसोलिडेशन भी आ सकता है, इसमें ISIFRS भी आ सकते हैं, इसमें रेशियोज भी आ सकते हैं, मिक्स प्लेट आता है, किसी को नहीं पता कहां से आएगा, ठीक है। तो पूरे पेपर में कहीं से भी उठा के वो आपको ये 30 मार्क्स पूछ सकता है, 15 एमसीक्यू एट द रेट 2 मार्क्स, ठीक है। देन यू हैव 3 OT cases at the rate 10 marks each, 30 marks. मेरी बात सुने, यहाँ देखें, ये OT cases क्या चीज़ है? आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों याद होगा, जो आप लोग F3 F2 का पेपर देते हो, तो F3 के पेपर में लास्ट 30 मार्क्स में, F3 के पेपर में लास्ट 30 मार्क्स में 15-15 मार्क्स के दो OT case आते थे, जिसमें आपको एक सिनेरियो गिवन होता था और नीचे उसके 5 ब्लैंक्स या 5 एमसीक्यूज होते थे उसी से कनेक्टेड, सही है। तो वैसे 30 मार्क्स के आते हैं। सर ये नॉर्मली कहाँ से आते हैं? इसमें नॉर्मली वो डिफरेंट ISIFRS टेस्ट करता है, यानी जैसे IFRS 16 के ऊपर एक पूरी कहानी बना के दे देगा, कभी आपको IAS 12 के ऊपर पूरी कहानी बना के दे देगा, और नीचे सवाल या मिक्स IAS भी आ सकते हैं, मिक्स IAS भी आ सकते हैं। हाँ मेरे बच्चों, ऐसा भी होता है कि कभी कभार लास्ट, ये जो ये लास्ट 40 है, सुनो ये लास्ट 40 मार्क्स है, कभी कभार ऐसा होता है कि लास्ट 40 मार्क्स में कंसोलिडेशन नहीं आया, तो बीच में सेक्शन बी में ही उसने कंसोलिडेशन भी आपसे टेस्ट कर लिया, सेक्शन बी में ही उसने आपसे कंसोलिडेशन टेस्ट कर लिया, कंसोलिडेशन उसने आपसे सेक्शन बी में ही टेस्ट कर लिया, ओके ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट, कंफर्म। तो इस तरह का बैलेंस करके सेक्शन बी करता है। अब सेक्शन ए और बी मिला के 60 मार्क्स है, इसमें देयर इज नो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन नहीं है इसमें, आप रफ पे काम करके टिक टिक करना है, इसमें प्रेजेंटेशन नहीं है। हाँ अब जो सेक्शन सी शुरू होगा, उसमें यस प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, और सेक्शन सी क्या है? कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस एरिया। सेक्शन सी इज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस एरिया, CRA, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2 क्वेश्चंस एट द रेट 20 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चंस एट द रेट 20 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चंस एट द रेट 20 मार्क्स ईच, यानी 40 मार्क्स का आता है, सही है। दो सवाल आते हैं 20-20 मार्क के। अच्छा, अनलाइक F6, F6 में सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन होते थे, F6 के पेपर में सेक्शन सी में 3 सवाल होते थे, एक 10 का और 2 15-15 के, एक 10 का और 2 15-15 का, यहाँ ऐसा नहीं है। F7 में डायरेक्ट 2 सवाल आएंगे 20-20 मार्क के। बच्चे ने कहा यार ये उस्ताद ये 2 सवाल कहाँ से आ सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? सुने, ये इसमें या तो फाइनल अकाउंट आ सकता है, फाइनल अकाउंट आ सकता है। सब बच्चे ने कहा व्हाट इज फाइनल अकाउंट, एक मिनट याद दहानी कराता हूँ यार। अगर तुम्हें याद हो, तुम लोग F3 का जब पेपर देते थे, तो F3 के पेपर में तुम्हें टीचर्स ने कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ाया था। F3 वाले पेपर में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को टीचर ने कंपनी अकाउंट्स पढ़ाया था, तो कंपनी अकाउंट्स की पहले तो टीचर ने आपको थ्योरी वगैरह पढ़ाई थी, और उसके बाद कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाई थी, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट टीचर ने आपको बनाना सिखाई थी, जिसमें आपको SOCI, जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते थे, इनकम स्टेटमेंट से लिंक चीज, फिर SOCI, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिर आपको SOFP, ये सब टीचर ने बनाना सिखाई थी, याद है? तो मेरे बच्चों इधर देखो, तो ये जो 3 टॉपिक थे ना, SOCI, SOCI, SOFP, ये यहाँ भी बनाने आती है, लेकिन F3 लेवल के सवालात में और यहाँ के सवालात में फर्क है। F3 लेवल के सवालात में और यहाँ के सवालात में फर्क है, यहाँ के सवालात में फर्क है। मेरी तरफ देखें, क्या फर्क है? F3 का फाइनल अकाउंट कैसा होता था, मैं सिर्फ नाम लेके बताता हूँ। आप लोगों ने सवाल किए थे, पोलार्ड कंपनी करते थे, संडाओ PLC करते थे, याद है? RP-Eaton का सवाल होता था, मेल राइट, और इस तरह के सवाल आप लोग करते थे। उसमें एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, याद है? और नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन होती थी, कैसी बच्चों वाली,
एडजस्टमेंट सुनो, क्लोजिंग स्टॉक इज 400,000, सुनो, फिर नीचे लिखा होता था बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% ऑन कॉस्ट, फिर नीचे लिखा होता होता बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ 5,000, यानी ऐसी बच्चों वाली एडजस्टमेंट आती थी, तैयार डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होती थी, तैयार बैड डेट की एडजस्टमेंट होती थी, एक्रूड और प्रीपेड की एडजस्टमेंट होती थी, मेरे जवान बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो एडजस्टमेंट बिल्कुल बेसिक होती थी, वो एडजस्टमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बेसिक हलवा एडजस्टमेंट्स होती थी, वो कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थी, वो कोई आपके पास आपका देर इज एडजस्टमेंट्स नहीं थी, कोई बड़ी एडजस्टमेंट्स वो नहीं थी, ओके? अब यहां पर फाइनल अकाउंट कैसा आएगा, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों फाइनल अकाउंट कैसा आएगा, फाइनल अकाउंट कैसा आएगा, सुनो, यहाँ के फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस गिवन होगा लेटर से, और उसके बाद आपको नीचे एडजस्टमेंट्स में प्रॉपर आईएस पूछेगा, हर एडजस्टमेंट का अपना आईएस होगा, कभी आईएस 37 के बारे में पूछ रहा होगा, कभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ रहा होगा, कभी आईएस 12 के बारे में पूछ रहा होगा, तो एक फाइनल अकाउंट में 4-5 आईएस टेस्ट होते हैं ठीक ठाक वाले, यानी हमारे यहाँ फाइनल अकाउंट इज बेसिकली, हमारे यहाँ फाइनल अकाउंट इज बेसिकली टेस्ट ऑफ, फाइनल अकाउंट इज बेसिकली टेस्ट ऑफ आईएस आईएफआरएस, सही है? तो ये बहुत जबरदस्त एरिया है, बहुत ठीक ठाक एरिया है, ठीक है? देन उसके बाद अगला एरिया है जो इसमें टेस्ट होता है और वो बहुत ज्यादा कॉमन है, जो आता है कंसोलिडेशन, बड़ा एरिया ये कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। बच्चे ने कहा कि सर हमने तो कंसोलिडेशन जिंदगी में शायद कहीं पढ़ा हुआ है, हमने तो कंसोलिडेशन जिंदगी में शायद कहीं पढ़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ भाई आप लोगों ने कंसोलिडेशन पढ़ा हुआ है, लेकिन जो कंसोलिडेशन आप लोगों ने पढ़ा है वो स्टार्टिंग लेवल का पढ़ा है, मैं थोड़ा सा सिर्फ याद ध्यान ही करा रहा हूँ। अगर देखें आप लोग क्या करते थे, ये देखो मेरी तरफ देखें, मैं सिर्फ एक अभी पढ़ा नहीं रहा, अभी सिर्फ याद ध्यान ही करा रहा हूँ। देखें अगर आपको बिजनेस शुरू करना है उसका एक तरीका तो ये कि जीरो से, सिफर से अपना नया बिजनेस स्टार्ट करो, जीरो से, सिफर से अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करो, न्यू बिजनेस स्टार्ट करो, सही है? लेकिन यार जीरो से, सिफर से अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे तो लोग आपको जानते ही नहीं है, तो आपको कितना टाइम लगेगा अपनी गुडविल बनाने में, अपने आप को मनवाने में, इट्स अ बिग जर्नी, सही? तो दूसरा रास्ता क्या है कि आप मार्केट से एक चलता हुआ बिजनेस खरीद लो, एक चलते हुए बिजनेस को आप मार्केट से टेक ओवर कर लो, चलते हुए बिजनेस को आप मार्केट में जाके टेक ओवर कर लो, चलते हुए बिजनेस को आप मार्केट में जाके टेक ओवर कर लो, टेक ओवर कर लो, सही है? अब टेक ओवर कैसे होता है सुने, ये पी कंपनी है, लेटेस्ट से इसने आज एस कंपनी के मैं लिख रहा हूँ 80% शेयर्स खरीद लिए, 80% का मतलब 50% प्लस शेयर्स खरीद लिए, सही है, याद है? तो जब पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 50% प्लस ऑर्डिनरी शेयर खरीद लिए, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 50% प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद लिए, तो ऐसी सूरत हाल में हम ये कहेंगे कि पेरेंट कंपनी के पास एस कंपनी का कंट्रोल आ गया, क्योंकि अब जब एस 50% प्लस का मतलब सिंपल मेजॉरिटी, तो जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी होती है सरकार उसी की बनती है, सरकार उसी की बनती है, सरकार उसी की बनती है। तो अब पेरेंट कंपनी के ही मेजर डायरेक्टर्स एस कंपनी के बोर्ड में बैठेंगे, तो पेरेंट कंपनी कैन कंट्रोल एस कंपनी, पेरेंट कंपनी कैन कंट्रोल एस कंपनी, याद है? तो अब बेटा जिसने कंट्रोल कर लिया उसको बोलते हैं पेरेंट, जिसको कंट्रोल कर लिया गया उसको कहते हैं सब्सिडरी, इधर देखें, और इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज, याद है? ग्रुप ऑफ कंपनीज, बच्चों याद आया? फिर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि पेरेंट कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट कंपनी की, मेरे बच्चों का देखो, पेरेंट कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे ग्रुप के कंबाइंड अकाउंट्स बनाए, मर्ज अकाउंट्स बनाए, यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाए। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कंसोलिडेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी, कंसोलिडेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी, याद है? ये पेरेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इधर देखें, ऐसी सूरत हाल में सामने देखते रहे, कंसोलिडेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। फिर आपने इस चैप्टर का नाम पढ़ा था ग्रुप अकाउंट्स, इस चैप्टर का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम होता है ग्रुप अकाउंट्स, इस चैप्टर का नाम क्या होता है बोलो, ग्रुप अकाउंट्स। फिर इसमें आपने इसकी बैलेंस शीट भी पढ़ी है, यहाँ भी बैलेंस शीट है, इसकी इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ी है, यहाँ भी इनकम स्टेटमेंट है, सही है? इसके अलावा बहुत ज्यादा थ्योरी और बहुत सारे मसले मसाइल इसके यहाँ मौजूद है, ठीक है? आप लोगों ने बचपन में पढ़ी थी पी टू एस और एस टू पी सेल, याद है? आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, P to S और S to P सेल,
लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बचपन में जो पी टू एस और एस टू पी सेल पढ़ी है ना, जो पी टू एस और एस टू पी सेल मेरे बच्चों आप लोगों ने पढ़ी है ना, वो पी टू एस और एस टू पी सेल आप लोगों ने इन्वेंटोरी की पढ़ी है। पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को इन्वेंटोरी बेच रही होती थी और सब्सिडरी पेरेंट को इन्वेंटोरी बेच रही होती थी, याद है? हाँ। लेकिन अब जो आप पढ़ोगे ना, इधर देखें, अब जो चीज आप लोग पढ़ोगे उसमें पेरेंट सब्सिडरी को फिक्स एसेट बेच रही होगी और सब्सिडरी पेरेंट को, या फिक्स एसेट की भी सेल है, यानी पेरेंट और सब्सिडरीज आपस में एक दूसरे को फिक्स एसेट का भी तबादला हो रहा होगा। फिक्स एसेट का भी मेरे बच्चों तबादला हो रहा होगा, फिक्स एसेट का लेन देन भी हो रहा होगा, सही है? तो ये सारे एरियाज है, इंक्लूडिंग थ्योरी वगैरह सब है। आप लोगों को वैसे तो अब F3 में भी हम लोग बहुत तफसील से पढ़ाते हैं, जैसे मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में F3 में मैंने 10 लेक्चर्स में कंसोलिडेशन खत्म किया है, क्योंकि वो तो बच्चे भी छोटे होते हैं, तो बहुत सारी 9-10 लेक्चर हमारे ऑलमोस्ट लग जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ भी अच्छा खासा लेक्चर्स हैं इसके कंसोलिडेशन के, और बहुत जबरदस्त एरिया और बहुत स्कोरिंग एरिया है। अच्छा, अब इधर आए, ये देखिए होता ये है। अच्छा देखो, ये जो सेशन सीबी होता है ना, ये सेशन सीबी होता है ना, ये दो तरह, इसको सेशन सीबी बोलते हैं। अच्छा इस बात, एक चीज सुने, एक होता है ऑन डिमांड सीबी। यार आप लोग जो बचपन में F1 F2 F3 F4 का पेपर देते थे, जो साल में 12 महीने में जब चाहो दे दो, जो साल में 12 महीने में जब चाहो दे दो, उसको कहते हैं ऑन डिमांड सीबीई। और ये जो F5 F6 F7 का जो सीबी है, इसको बोलते हैं सेशन सीबी। क्या बोलते हैं? सेशन सीबी। यार ये जो सेशन सीबी होता है ना, इसका नॉर्मली अभी तक जो रिसर्च कहती है, जो पेपर जो है, दो तरह के पेपर आते हैं, यानी दो टाइप के पेपर आएंगे। आधे बच्चों का एक पेपर आ रहा होगा, सब एक साथ दे रहे होते हैं, आधों का एक आ रहा होता है, आधों का एक आ रहा होता है, आधे का एक आ रहा होता है, आधे का दूसरा आ रहा होता है, सही है? सेशन सीबी में ये होता है। तो मैंने मैंने जो बच्चों से पूछा है, जो बच्चों से फीडबैक लिया है, तो नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ बच्चों का कंसोलिडेशन आ रहा होता है और कुछ का फाइनल अकाउंट। आधे बच्चों का कंसोलिडेशन आ रहा होता है और मेरे बच्चों, आधे बच्चों का फाइनल फाइनल अकाउंट आ रहा होता है। आधे बच्चों का कंसोलिडेशन आ रहा होता है और आधे बच्चों का फाइनल अकाउंट आ रहा होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन रिसर्च ये कहती है, हिस्ट्री ये कहती है, जिनका कंसोलिडेशन आता है वो ज्यादा खुश होते हैं, जिनका कंसोलिडेशन आता है वो ज्यादा खुश होते हैं। उसकी वजह यह है कि कंसोलिडेशन एक फिक्स एरिया है, छोटा सा एरिया है, उसी के अंदर, उसी के एरियाज के आप प्रैक्टिस कर 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 करके मंच जाते हो, यानी कुछ ही चीजें और उसके इतने सवाल आते हैं कि उसको प्रैक्टिस कर करके बंदा बहुत रवा हो जाता है, ठीक है? तो नॉर्मली जिनका कंसोलिडेशन आता है वो जरा ज्यादा खुश नजर आते हैं, ऐसा लगता है, ठीक है? अब फिर आपके पास एक एरिया है रेशियोज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर ये इतनी बार वेरी वेरी क्यों लिखा बेटा? वाकई ये बहुत ये बड़ा अच्छा एरिया है और ये कारोबारी एरिया है, ये जबरदस्त धंधा बिजनेस व्यापार का एरिया है, ये असल कॉमर्स की जान है, कॉमर्स की जान है, माय फेवरेट एरिया और आउट क्लास एरिया है। सबसे पहले एक परसेप्शन को सही कर लो, एक गलत परसेप्शन को सही कर लो प्लीज। बच्चों की गलत परसेप्शन ये है, बच्चों की गलत परसेप्शन ये है कि रेशियोस तो हमें आता है। इसको पहले दिमाग से निकालो, ये शैतान को निकालो, वरना फेल हो जाओगे। क्यों? एटीट्यूड सुनो, एटीट्यूड, बच्चे का एटीट्यूड देखो। सर मैंने ए लेवल्स में पढ़ा हुआ है। ओ सही है, पढ़ा हुआ है, मैं क्या करूं? सर मैंने F2 में भी रेशियोस पढ़े हैं, मैं क्या करूं? सर F3 में भी रेशियोस पढ़े हैं, पढ़े होंगे। सर F5 में भी रेशियोस पढ़े हैं मैंने, तो मैं क्या करूं भाई? F7 का रेशियो इन सबसे एडवांस है, चाहे आप F5 का रेशियो उठा लो, F2 F3 ए लेवल सबसे एडवांस F7 का रेशियो है। ये बड़ा मजेदार रेशियो है, यानी ये कारोबारी किस्म का रेशियो है, ये अलग किस्म का रेशियो है। बच्चे ने कहा यार कोई मिसाल दे दो, एक ऐसे आपस, अभी हम पढ़ नहीं रहे, ऐसे आपस की डिस्कशन कर रहे हैं, आपस की डिस्कशन कर रहे हैं। चलो मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ कैसे सवाल आते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ। मैक पी कंपनी हो, पेरेंट कंपनी हो, सही है, और मेरे पास इतना कैश पड़ा होता है एक्स्ट्रा, जैसे एप्पल कंपनी है ना, उसके पास अरबों रुपए का कैश एक्स्ट्रा पड़ा होता है, अरबों डॉलर्स का, तो वो हर साल नए नए बिजनेस खरीदती है चलते हुए। एप्पल कंपनी का ये उसूल है, हर साल नए बिजनेस खरीद लेती है। जैसे आप लोगों ने वो एक हेडफोन देखे थे, बीट्स के हेडफोन, आजकल तो मैं यूज नहीं करता, पहले मैं, आप लोग पहले मुझसे मिले हो नहीं मिले हो, 2-3 साल पहले मेरी आदत थी, मेरे गले में एक हेडफोन लटक रहे होते थे, पावर बीट्स। तो वो ये बीट्स कंपनी भी
उन्होंने एक्वायर कर लिए, किसने, एप्पल कंपनी ने खरीद लिए। तो एप्पल कंपनी का ये रूटीन होता है कि हर साल कितने नए नए बिजनेस चलते हुए खरीद लेती है, चलते हुए खरीद लेती है, सही है। अब जरा सुने आप, ये पेरेंट कंपनी है, ये समझ लो ये एक एक्स कंपनी है, समझ, सुनो। पेरेंट कंपनी चाहती है, बेटा अब जरा इस एग्जाम्पल को सिर्फ गौर से सुनना, बहुत लग के सुनना। पेरेंट कंपनी चाहती है कि इस कंपनी को चलता हुआ खरीद ले, लेकिन ये एक्स कंपनी अभी जो है ना, ये अभी किसी और ग्रुप के हाथ में, समझ लो, समझ लो, ये सिंघानिया ग्रुप के हाथ में है। ये मूवी का नाम उठा लिया मैंने, ये सिंघानिया ग्रुप के हाथ में है। यानी अभी एक्स कंपनी के मालिक कौन है, अभी एक्स कंपनी का मालिक है ये सिंघानिया ग्रुप, सही है। और पेरेंट कंपनी चाहती है कि हम इनसे खरीद लें, सिंघानिया ग्रुप से एक्स कंपनी खरीद लें, सिंघानिया ग्रुप से एक्स कंपनी क्या कर लें, खरीद लें, सही है, नजर आ रहा है। पेरेंट कंपनी एक्स कंपनी को चलता हुआ खरीदने चाहती है, लेकिन अभी एक्स कंपनी के एग्जिस्टिंग, ये रहे इसके एग्जिस्टिंग मालिकान, ये एक्स कंपनी के एग्जिस्टिंग मालिकान हैं, एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं। तो बेटा जरा सोचो तो सही, इधर ये भेजा यूज करो, इधर अल्लाह तआला ने यहाँ भेजा दिया है, ये यूज करो। इधर देखो कि जब आप चलता हुआ बिजनेस खरीदते हो तो किसी और से खरीदते हो ना, जिसके पास ऑलरेडी उसके शेयर्स पड़े होंगे। जब भी दिमाग से सोचो, अल्लाह के लिए सोचो, जब भी आप कोई चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ बिजनेस खरीदोगे तो किसी से खरीदोगे ना यार, कोई ना कोई तो उसका एग्जिस्टिंग ओनर होगा ना, या आसमान से गिरा हुआ बिजनेस है। तो जिस एग्जिस्टिंग ओनर से आप खरीदते हो ना, वो आपसे एक प्राइस डिमांड करता है। वो बोलता है भाई मैं 50 करोड़ में बेच रहा हूँ, मैं 60 करोड़ में बेच रहा हूँ, मैं 1 अरब में बेच रहा हूँ, तो एक प्राइस कोट करता है। तो जब आप चलता हुआ बिजनेस खरीदते हो इतने करोड़ों अरबों रुपए देके, तो आप पहले चेक करते हो कि आप ये जिस घोड़े पे पैसा लगा रहे हो, जिस घोड़े पे पैसा लगा रहे हो, उस घोड़े में दम है या नहीं है, आप सही बिजनेस खरीद रहे हो या बेकार चीज अपने गले आपके लग रही है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और उससे पहले आप डिटेल्ड एनालिसिस करते हो कंपनी की। उससे पहले, चलता हुआ बिजनेस खरीदने से पहले आप कंपनी की डिटेल्ड एनालिसिस करते हो, शर्माते नहीं हो, उसमें खरी बातें करनी पड़ती हैं, बहुत खरी बातें होती हैं भाई। सोचो ना, अरबों रुपए का बिजनेस खरीद रहे हो, तो उससे पहले कैसी परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती होगी कंपनी को, कैसा अंदर डिग 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 करके उसको चेक करते हैं, सही है। अब जरा सुने, कहानी सुने प्लीज। हुआ ये कि एक्स कंपनी, समझ लो मिसाल के तौर पर, बनाती थी ट्यूबलाइट, एक्स कंपनी क्या खरीदती थी, बनाती थी ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट बनाती थी, और उस ट्यूबलाइट से ग्लास जो खरीदती थी ना, ग्लास वो सिंघानिया ग्रुप से ही खरीदती थी। यानी सिंघानिया ग्रुप इतना बड़ा था, उसके अंदर और बहुत सारी कंपनीज थी, तो सिंघानिया ग्रुप की किसी कंपनी से वो ग्लास खरीदती थी। ग्लास एक रॉ मटेरियल हो गया, सही है। अब जब ये अपने ही खानदान के, अभी राइट नाउ एक्स कंपनी सिंघानिया ग्रुप से ताल्लुक रखती है, किससे ताल्लुक रखती है, एक्स कंपनी का ताल्लुक अभी सिंघानिया ग्रुप से है। तो एक्स कंपनी ट्यूबलाइट बनाती थी, और ट्यूबलाइट बनाने के लिए ग्लास जो खरीदती थी ना, वो अपने ही ग्रुप के लोगों से, यानी अपने ही भाइयों से, अपने ही ग्रुप के लोगों से खरीद लेती थी। तो अब जब अंदर ही अंदर ग्लास मिलता था ना, तो इसको मिलता था डिस्काउंट पे। एक मिनट सोचो, अंदर ही अंदर एक्स कंपनी को जब भी ट्यूबलाइट बनाने के लिए ग्लास चाहिए होता था, तो अपने ही भाइयों से, अपने ही रिश्तेदारों से, यानी एक ही ग्रुप खानदान की कंपनी थी, तो उसी से अंदर ही अंदर पकड़ लेती थी। तो इसको समझ लो 20% डिस्काउंट पे मिल जाता था, 20% डिस्काउंट पे मिल जाता था। हाँ, लेकिन अब जरा सोचो, जब पेरेंट कंपनी एक्स कंपनी को चलता हुआ खरीद लेगी, देखो मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, पेरेंट कंपनी जब एक्स कंपनी को चलता हुआ खरीद लेगी, तो फिर तो ये एक्स कंपनी इनके हाथ में आ जाएगी ना, फिर सिंघानिया ग्रुप से तो हट जाएगी ना। जब पेरेंट कंपनी, तवज्जो, जब पेरेंट कंपनी एक्स कंपनी को चलता हुआ खरीद लेगी, तो फिर तो ये एक्स कंपनी के हाथ में आ जाएगी ना, फिर तो ये पेरेंट के हाथ में आ जाएगी ना, फिर तो ये उस ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखेगी। तो जब उस ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखेगी, तो ये डिस्काउंट फिर आज के बाद नहीं मिलेगा, और जब इसको वो डिस्काउंट आगे आज के बाद नहीं मिलेगा, तो इसको रॉ मटेरियल सस्ता नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली एक्स कंपनी का रॉ मटेरियल यानी कॉस्ट महंगी हो जाएगी। तो एक्स कंपनी की फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी गिर नहीं जाएगी, फ्यूचर के प्रॉफिट्स गिर नहीं जाएंगे। इसका मतलब आप जब एक्स कंपनी को खरीद रहे थे, उस टाइम वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आ रही थी, आप जब पेरेंट कंपनी एक्स कंपनी को खरीद रही थी, तो उस वक्त एक्स कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आ रही थी, क्योंकि फैमिली डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आप उस फैमिली से आप खरीद लोगे, चलता हुआ खरीद लोगे, तो अब तो वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं रहेगी। और अब जब वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं रहेगी, अब जब वो उस फैमिली का हिस्सा
नहीं रहेगी तो ये डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा और इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो एक्स कंपनी आज के बाद इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो यार ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि ये तो इस तरह के डिस्काउंट्स को आप रिमूव करके सोचो, यानी आप आगे का सोचो। अभी तो डिस्काउंट मिल रहा है लेकिन टेक ओवर के बाद ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नहीं समझ रहे, बहुत कारोबारी बातें ये। एक और मसला तुम्हें बयान करता हूँ, सुनो भाई। पेरेंट कंपनी एक्स कंपनी को खरीदने जा रही है, पेरेंट कंपनी एक्स कंपनी को चलता हुआ खरीदने जा रही है, सिर्फ सोचो, दिल से सोचो, दिलो दिमाग हाजिर करो। और एक्स कंपनी राइट नाउ किस खानदान की है? राइट नाउ एक्स कंपनी सिंघानिया ग्रुप की है। राइट नाउ एक्स कंपनी सिंघानिया ग्रुप की है, तो जरा सोचो, हो सकता है राइट नाउ एक्स कंपनी को जो बिजनेस मिल रहा हो सिंघानिया ग्रुप की वजह से मिल रहा हो। सब सिंघानिया ग्रुप के इतने भरम हो कि इसने कॉलों पे सबको बुला हुआ, हाँ यार, हाँ भाई करो अरेंज, हाँ भाई करके दो अरेंज, अरेंजमेंट करो, अरेंजमेंट करो। तो सब जान पहचान वाले खरीदते हो माल, सब इसके कस्टमर जान पहचान वाले हो, क्योंकि सिंघानिया ग्रुप ने ऊपर हाथ रखा हुआ हो। अब जैसे ही हम पी कंपनी एक्स कंपनी को खरीद लेगी सिंघानिया ग्रुप से, तो अब तो सिंघानिया ग्रुप हट जाएगा ना, तो आज के बाद तो सिंघानिया ग्रुप का हाथ हट गया ना, आज के बाद तो सिंघानिया ग्रुप का हाथ हट गया ना, तो आज के बाद फ्यूचर में सारे कस्टमर नहीं भाग जाएंगे। तो भाई ये बहुत बड़ा रिस्क होता है टेक ओवर से पहले। टेक ओवर से पहले आपको देखना होता है कि भाई आप किस घोड़े पे पैसा लगा रहे हो। आप किसी ऐसी कंपनी को ना खरीद के लाओ जो बाद में जाके डूब जाए। नहीं समझ रहे यार, आप इसको यूं सोचो, ये मैंने अपनी जिंदगी में इन गुनहगार आंखों से देखा है। कई बार ऐसा होता है कुछ गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर्स होते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट के बड़े सीनियर, टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर मजाक नहीं होता, सीनियर ऑफिसर होता है ना, अगर किसी को पकड़ लेना तो चीखे निकल जाती हैं, यानी किसी पे हाथ रख देना गया बंदा, सीधी बात है, सच बात है। तो आप टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा कमिश्नर है और उसका बेटा कोई बिजनेस कर रहा है, तो आप यकीन करें उसके बेटे का बिजनेस खुद ब खुद चलेगा। लोग वहां से चीजें खरीदेंगे उसके बाप को खुश करने के लिए, लोग चीजें खरीदेंगे बाप को खुश रखने के लिए, बाप से रिलेशनशिप बनाना है। हाँ लेकिन जरा सोचो, उस बेटे के सर पे से जिस दिन बाप का साया हटा, यानी बाप की पोस्ट चले गई या बाप की जिंदगी चले गई, तो एकदम लोग अपनी असलियत दिखा देंगे, दिस इज वेरी क्रूशियल थिंग, इसको मत भूलना। हाँ जी, तो ये वाले मसाइल देखने पड़ते हैं टेक ओवर से पहले। एक और मसला बताता हूँ यार, थोड़ी सी एनर्जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्लीज थोड़ी सी प्लीज मेरी तरफ। एक और चीज भी देखनी होती है यार, आप एक बिजनेस को चलता हुआ खरीद रहे हो और उस बिजनेस के अंदर लेटर से फसाद चल रहा है, फसाद अंदर ही अंदर, एम्प्लॉइज ब्लैकमेल कर रहे हैं, यानी वो बिजनेस ऐसा है जो एम्प्लॉइज पे डिपेंडेंट है और अंदर ही अंदर फसाद चल रहा है, और आपने ऐसे गंदे बिजनेस को अगर टेक ओवर कर लिया और आपने जैसे ही खरीदा और उसके बाद ये अजाब, ये बम फटा, सब लड़े आपस में एम्प्लॉइज और सब भाग गए, आपका बिजनेस तो खत्म हो जाएगा यार। नहीं समझ गया भाई, आपने एक ऐसे बिजनेस को खरीदने जा रहे हो जिसके अंदर ही अंदर गुरु मंदिर चल रहा है, अंदर ही अंदर सब गुरु मंदिर चल रहा है, यानी अजीब गेम है, खराब है, एम्प्लॉइज वगैरह सब भागने के मूड में, और बिजनेस भी ऐसा है जो एम्प्लॉइज डिपेंडेंट है। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसे बिजनेस बड़े खतरनाक होते हैं यार। नहीं समझ रहे, तो आपने ऐसे बिजनेस को टेक ओवर किया और आपकी बजा गए लोग, समझ रहे हो बात को? एक रिप्लाई तो करो यार, चैट बॉक्स में रिप्लाई तो करो भाई, रिप्लाई करो, अगर बातें समझ रहे हो रिप्लाई कर दो भाई, प्यारे प्यारे बच्चों, यू हैव अ चैट बॉक्स एंड यू हैव अ नोट पैड, टाइप करो। हाँ भाई बताओ, सब रिप्लाई करो यार, बाकी लोग भी बता दो यार, कोई पैसे थोड़ी ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये देखें, आप मेरी बात सुने, F3, F2, F5 में इस तरह की रेशियो एनालिसिस नहीं आती थी, इसकी रेशियो एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट होती, मजेदार बहुत होती, यानी अच्छा लेवल होता है, यानी एक ऐसा लेवल कि जिसपे आप थोड़ा आगे जाके सोचो, थोड़ा आगे जाके रियल लाइफ से सोचो, क्योंकि अब देखो, अब आप नाउ यू आर इन पार्ट टू, यू आर इन स्किल्स मॉड्यूल, तो स्किल्स मॉड्यूल में मेरे बच्चों, स्किल्स मॉड्यूल में आपको अब स्किल्स मॉड्यूल वाला बच्चा ऑडिट फर्म में जाता है हकीकत में। अभी हमारे कितने स्टूडेंट्स, अभी लास्ट टाइम एक ऑडिट फर्म से एक असाइनमेंट आया था, अब तो ऑडिट फर्म वाले भी बड़े चालाक हो गए कुछ फर्म्स, और बड़ा अच्छा था,
एक ऑडिट फर्म थी, उसको स्टॉक काउंट करवाना था, लाहौर अभी इस्लामाबाद जाना था बच्चों को लेके। तो उन्होंने कहा मुझे 10 बच्चे दे दो, 2,000 रुपीज पर डे देंगे और इस्लामाबाद की सैर भी करा देंगे। और तो यहाँ से अपने काफी बच्चे गए थे, उन्होंने मैंने एक मैसेज डाला तो बहुत सारे बच्चे रेडी हो गए थे। तो उसने इंटरव्यू करके, इंटरव्यू का एक नजर मुलाकात करके ले गया, 2,000 रुपीज पर डे भी दिया, मेरे ख्याल से 5 दिन बच्चों को ले गया और अपना स्टॉक काउंट भी करा लिया, बच्चों ने सीख भी लिया, बच्चों को एक्सपीरियंस लेटर भी मिल गया और फर्म के भी मजे हो गए। क्यों? फर्म ने आखिरी दिन बिल्कुल बच्चों को लिया, यानी उन्होंने फिक्स कॉस्ट पे बच्चों को हायर नहीं किया, बस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया, काम कराया, बच्चों को भी सिखाया, खुद का भी फायदा, खुद भी कमा लिया। तो दिस इज, लेकिन वो सारे बच्चे कौन से उसने उठाए? ये F7 वाले बच्चे ही हमारे उठाए थे। तो पार्ट टू लेवल का बच्चा वैसा होता है, पार्ट टू लेवल का बच्चा वैसा होता है कि अब आप लोग काम करोगे भाई, अब कब तक घर में बैठोगे बेटा, कब तक रोटियां पकाओगे बेटा, कब तक नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम देखते रहोगे? तो अब तुम्हें काम करना है भाई। रियल लाइफ में कितने बच्चे इस वक्त जो इस ग्रुप में जो अटेंड कर रहे हैं, वो भी मेरे बच्चों जॉब करने वाले बच्चे हैं, तो काम करने वाले बच्चे होते हैं, सही है? तो आप लोगों ने भी इसी तरह काम करना है, तो इसलिए ये चीजें सीखनी है, कारोबारी चीजें, ठीक है? मैं एक मिनट रुक रहा हूँ, कुछ लिखना है तो लिख लो, एक मिनट रुक रहा हूँ। लिखना है तो लिख लो भाई। अब उसके बाद फिर बेटा एक एरिया ये रेशियोस था, ठीक है? अच्छा, रेशियोज में मैं आपको बेसिक्स का वाला रेशियो भी पढ़ाऊंगा, यानी एक ऐसा लेक्चर भी मैं जरूर देता हूँ जिसमें मैं F3 वाला रेशियो रिवाइज भी कराता हूँ, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करता हूँ, उसके बाद फिर सवाल शुरू होते हैं, पास्ट पेपर बहुत सारे हैं इसके, ठीक है? अच्छा, ये याद रखना भाई, ये मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जरूर आता है, रेशियोज जरूर बिज जरूर आता है, रेशियोज जरूर बिज जरूर आता है, ठीक है? यानी आप यूं अभी से जहन बनाएं कि आपके लास्ट 40 मार्क्स में या तो एक रेशियोज और एक फाइनल अकाउंट आएगा और एक रेशियोज एक कंसोलिडेशन आएगा, सही है? किस जोड़ी के थ्रू आएगा? या तो आप ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका रेशियोज के साथ फाइनल अकाउंट आ जाएगा 20 और 20 40, या फिर आपका रेशियोज के साथ कंसोलिडेशन आ जाएगा 20 और 20 40, सही है? इस तरह की तरतीब होती है, लेकिन रेशियोज जरूर आएगा। अच्छा, अब एक बात सुनो, एक बच्चे का सवाल है, नो एसोसिएट, बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, आ रहा हूँ उस पर। क्या बात मेरे जहन में आई थी, जहन से निकल गई। हाँ यार, आजकल पिछले 2-3 साल से एक नई फैशन आ गई है कि अब रेशियोज विद कंसोलिडेशन भी आ रहा है, यानी कंसोलिडेशन, यानी एक ही सवाल में रेशियोज और कंसोलिडेशन मिक्स होता है। कैसा सवाल होता है मैं आपको समझाता हूं, इधर देखो, नाउ लिसन बेटा, देखें बेटा, ये आपके पास, आपको टाइमलाइन बना के समझा रहा हूँ ताकि आप बात समझ जाएं। ये आपके पास फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है और ये आपके पास सेकंड अकाउंटिंग पीरियड है। एक आपके पास फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है और एक सेकंड अकाउंटिंग पीरियड है। आप अज्यूम करें कि फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पेरेंट कंपनी वॉज अलोन, पेरेंट कंपनी अलोन थी, यानी पेरेंट कंपनी ने किसी और कंपनी को एक्वायर नहीं किया हुआ था, पेरेंट कंपनी ने किसी और कंपनी को टेक ओवर नहीं किया हुआ था, कोई एक्विजिशन, कोई टेक ओवर वगैरह नहीं हुआ हुआ था, सही है? ओके, लेकिन इस साल क्या हुआ, पेरेंट कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी है उसके 80% शेयर्स खरीद लिए, यानी इस साल ग्रुप बन गया, लास्ट ईयर ये सिंगल कंपनी थी, सही है? तो अब वो ऐसा मजेदार सवाल बना के देता है और बड़ा जबरदस्त हटके सवाल होता है, इधर देखें कि पहले साल आप अकेले कंपनी थे, अगले साल आप ग्रुप ऑफ कंपनीज बन गए, तो अब बताएं ग्रुप ऑफ कंपनीज बनने के बाद आप उठे या आप गिरे, इसकी पूरी एनालिसिस करके बताओ कि ये जो आपने चलती हुई कंपनी खरीदी है, इससे ओवरऑल आप बेनिफिट में रहे या ओवरऑल आप लॉसेस में रहे, इस सारी चीजों पर तफसीली बात करो, इन सारी चीजों पर तफसीली बात करो। ऐसे सवाल भी
ऐसे सवालात भी, ऐसे सवालात भी आ रहे हैं, ऐसे सवालात भी आ रहे हैं, ऐसे सवालात भी आ रहे हैं, राइट ओके। तो ये भी आजकल का एक वो फैशन बन गया, ये कंसोलिडेशन वाली थ्योरी बड़ी मजेदार आ रही है, इसको भी एक नजर देख लो। इसको एक नजर लिखना तो लिख लो। हाँ भाई लिख लिया, बोलो भाई अगर लिखना है तो लिख लो। अब इधर आओ, फिर एक एरिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जिसका नाम है एसओसीएफ IAS 7, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो IAS 7। ठीक है, देखें हिस्टोरिकली अगर मैं 2007 8 9 10 11 तक देखू ना, 11 तक, 2007 से 2011 तक देखू ना, तो पहले ये कैश फ्लो जरूर आता था, कंपलसरी क्वेश्चन आता था बड़ा, इसके पुराने सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन फिर एक 2012 से 13 से फिर एक टाइम ऐसा शुरू हुआ कि ये, मैं यूं बोलूंगा, देखो मैं वर्ड बड़ा एहतियात, ये थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन होने लगा, आउट ऑफ फैशन होने लगा, यानी नॉर्मली एग्जामिनर इस पे पूरा बड़ा सवाल देते हुए अब ग्रेस करता है, बड़ा सवाल एग्जामिनर नहीं देता, बड़ा सवाल इस पे नहीं देता एग्जामिनर, बड़ा सवाल नहीं देता, सही है। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, सर इसका मतलब फिर इसको पढ़े ही ना, इसको छुड़ा दे। मैंने कहा नहीं, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, जीरो से इसका लेक्चर भी दूंगा और पूरा इसके सवालात भी जितने कराऊंगा, हम रिस्क नहीं ले सकते। क्यों? सुनिए बेटा, कभी कभार साल में एक, अब साल में 4 अटेम्प्ट होती है, एक आध अटेम्प्ट में कोई बच्चा आके बोलता है भाई मेरा मेरा 15 मार्क का कंसोलिडेशन आ गया था, या मेरा कंसोलिडेशन का ओटी केस आ गया, या मेरा एक 20 मार्क का ही कंसोलिडेशन, सॉरी मेरा 15 या 20 मार्क का कैश फ्लो आ गया, ऐसा हुआ है कुछ बच्चों के साथ, तो भाई टू बी ऑन द सेफ साइड आपने करना पूरा है। लेकिन हाँ ये अब उन तीनों के सामने कंपैरेटिवली हल्का आसान भी है, उन तीनों के सामने कंपैरेटिवली आसान भी। आपको याद होगा तीन एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज आपके सामने, ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज आपके सामने हैं, राइट ओके, याद है। तो ये तीनों एक्टिविटीज आपने पढ़ी हुई हैं, और ये बाकायदा कैश फ्लो किस तरह होता है ये आपने F3 में ही पढ़ा भाई, इवन F3 में भी इसकी 4-5 क्लासेस हम देते हैं, F3 के पेपर में भी मैं खुद 4-5 क्लासेस में पूरा कंप्लीट करता हूँ, तो यहाँ भी इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करा दिया जाएगा, ठीक है राइट। तो ये आपके पास एक पेपर फॉर्मेट था, ये आपके पास एक पेपर फॉर्मेट था, ठीक है। अच्छा ये पेपर क्लियर, अगर इंसान थोड़ा सा बात को माने, इंस्ट्रक्शंस को माने, तो वो बच्चा ये पेपर क्लियर कर सकता है, ये क्लियर होने वाला पेपर है, ठीक है। यानी ये ऐसे बहुत कम आपको लोग मिलेंगे जैसे कि यार वो कहें कि यार मेरा 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट से F7 रुक रहा है, ये बड़ा हैरान कन बात हो जाती है, अगर कोई ये बात बोलते तो हम सब हैरान हो जाते हैं। हाँ Part 2 के बाकी पेपर्स के बारे में कभी कभार ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि भाई हमारे 2 बार रुक गया, 3 बार रुक गया, ये होता है। F7 नॉर्मली ऐसा पेपर नहीं है, ठीक है। यानी आप तरीके से अगर पढ़ लें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और ये कई सालों से बड़ी आजमाई हुई स्ट्रैटेजी है, मैं सबसे पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा, IAS IFRS पे लेक्चर दूंगा, यानी पहले 1.5-2 महीने तक IAS IFRS चलेंगे प्रॉपर तरीके से, सही है। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट, फिर मैं आपको ये वाला अकाउंट एरिया पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट। बच्चे ने कहा क्यों, इसकी वजह बताएं। IAS IFRS पढ़ाने के फौरन बाद फाइनल अकाउंट क्यों पढ़ा रहे हैं, उसकी वजह ये है, मेरी तरफ देखें, फाइनल अकाउंट जो है ना वो बेसिकली IAS और IFRS का ही टेस्ट है। फाइनल अकाउंट इज बेसिकली टेस्ट ऑफ IAS IFRS, उसका रिविजन है। तो पहले आप एक बार IAS IFRS पढ़ोगे और फिर फाइनल अकाउंट करोगे तो वापस से आपका IAS IFRS का रिवीजन हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा, यानी एक एरिया पूरा साइट पे हो जाएगा। तो सारे IAS IFRS और फाइनल अकाउंट हम साइट पे कर देंगे, ये हमारा शुरुआत हुआ। फिर मैं पढ़ाता हूँ कंसोलिडेशन, उसके बाद मैं सेपरेटली कंसोलिडेशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। कंसोलिडेशन तफसील से पढ़ाया, उसके असाइनमेंट दिए, फिर आप लोगों को रेशियोज कराया जाएगा और कैश फ्लो, इस तरह करके हमारी इस तरतीब से हम लोग अपने कोर्स को वाइंड अप करते हैं, ठीक है राइट ओके। अच्छा एक सवाल सर, सवाल यह है कि एक सवाल आया सर, इज F7 इजियर टू पास देन F5 F6? यस,
F5 के सामने तो ये बहुत आसान पेपर है, F5 इसके सामने कंपैरेटिवली बहुत बड़ा पेपर है भाई। F5 का पासिंग रेट तो पार्ट टू का सबसे टेक्निकल है, यानी F5 का पासिंग रेट कभी कभार 30-32% तक भी गया है। F6 का पासिंग रेट अच्छा है, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिहाज से अगर बात करूं ना स्टडी वाइज, तो F6 से ज्यादा पढ़ना F7 आसान है, पढ़ने के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। पढ़ने के पासिंग रेट F6 F7 का 19-20 करीब करीब ही है, करीब करीब होता है, लेकिन पढ़ने के हिसाब से F7 ज्यादा पढ़ना आसान है। क्यों, उसकी वजह बताता हूँ। F7 में आपको एक पहले बैकग्राउंड मिला हुआ होता है F3 का, आपने F3 पढ़ा हुआ होता है, तो ये F3 के बैकग्राउंड से ही कनेक्टेड होता है। यार सोचो ना एक मिनट, आपने F3 में कंसोलिडेशन पढ़ा हुआ है, यहाँ भी कंसोलिडेशन है। F3 में फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है, यहाँ भी फाइनल अकाउंट है। F3 में रेशियोज और कैश फ्लो पढ़ा हुआ है, यहाँ भी है, लेकिन डेफिनेटली एडवांस लेवल है। लेकिन एटलीस्ट एक आपका जहन और एक बेसिक्स बनी हुई है, आप लोग अरसे से फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए पीछे कैरेट फॉरवर्ड बैकग्राउंड आप लोगों का जरूर होता है नॉर्मली बच्चों का। बल्कि मैं एक और बात बोलता हूँ, F3 एक ऐसा पेपर है, मैं तो कितने बच्चे मैं जानता हूँ, शायद यहाँ भी एक बच्चा बैठा हुआ है वही वाला है शारिक, मेरे ख्याल से के 90, ये आप क्या वही शारिक हो जिसके 91 मार्क्स आए? मुझे बताओ एक बच्चे के अभी 91 है F3 में? नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, सॉरी। तो पॉइंट ये है कि F3 एक ऐसा पेपर है पार्ट F1 F2 F3 में से, जिसमें बच्चों के 90s 85 88 बहुत बार मार्क्स आते हैं, पूरी बड़ी पूरी पूरी रोज के ऐसे मार्क्स आते हैं। तो F3 का एक बैकग्राउंड भी आपके साथ काम आ रहा होता है, समझ रहे हो? ओके, फिर एक और बात बताता हूँ। चलो F6 एक ऐसा पेपर है जो याददाश्त वाला पेपर है, और कानून का है ना, F6 टैक्स यानी लॉ से लिंक्ड है, तो उसमें कानून है, याद करने की चीज ज्यादा है। F7 में लॉजिकल चीजें ज्यादा है, लॉजिक लॉजिक्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा लॉजिक्स है, बात समझ रहे हैं? तो इसलिए कंपैरेटिवली ये पढ़ना आसान भी है और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, ये एक चीज मैंने आपको बताई। अब बात सुने, इसके बाद बच्चे ने कहा सर क्या ये जो फाइनल अकाउंट, ये जो लास्ट 40 मार्क्स है, प्लीज मेरी तरफ देख लें, ये जो लास्ट 40 मार्क्स हैं, इसकी क्या आप हमें वो प्रैक्टिस सिखाएंगे, एक्सेल वाली जो प्रैक्टिस होती है, जो सॉफ्टवेयर वाली प्रैक्टिस होती है, क्योंकि लास्ट 40? हाँ मैं सिखाऊंगा, हाँ मैं सिखाऊंगा, लेकिन इससे बिल्कुल भी ना डरें, कोई हाई फाई चीज नहीं है। जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ, F7 के ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने F5 F6 पढ़ा हुआ है या F5 F6 दिया हुआ है। हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट पार्ट वन से F7 उठाते हैं, F1 F2 F3 के बाद डायरेक्ट F7 उठाते हैं, ये भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जिसने ऑलरेडी F5 F6 का पेपर दिया हुआ है, उसको तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है सॉफ्टवेयर, उसको पता है ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन और लिंकिंग करना आनी चाहिए स्प्रेडशीट पे, यही है। पूरा एक्सेल हमारे कोर्स में नहीं है, ये मत सोचना कि पूरा का पूरा एक्सेल हमारे कोर्स में होगा और वो आप पूरा करोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिर्फ आपको लिंकिंग आनी चाहिए, टाइप करना चीजें आनी चाहिए, बात समझ रहे हैं? तो वो मैं खुद भी सिखाऊंगा, मैं फाइनल अकाउंट और कंसोलिडेशन के सवाल मैं खुद उस पर कराऊंगा। और आप लोगों को एक मजे की बात यह है कि जो पूरी आप लोग की कैपलन की किट है ना, वो मैंने सॉल्व की हुई है, पूरी कैपलन की किट मैंने सॉफ्टवेयर पे एक्सेल पे सॉल्व की हुई है, तो वो भी मैं बच्चों को ट्रांसफर कर देता हूँ, ताकि आप उससे भी रेफरेंस लेता रहे, सही है? तो इट्स नॉट अ बिग इशू, इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है? अच्छा एक चीज मैं आपको और सब सब बच्चों को बताऊं, शुरू का ही दिन ना, तो आज ही बता दूं, बाद में ही बताऊंगा, अभी बता दूं। देखें कई बार हम लोग क्लास में सॉल्व कराते वक्त एक्सेल खोल लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल के समझा देते हैं, ठीक है? लेकिन एग्जामिनेशन रूम में एक्सेल नहीं होता, एग्जामिनेशन रूम में ACCA का अपना सॉफ्टवेयर होता है, ACCA का अपना सॉफ्टवेयर। तो बच्चे ने कहा अगर हमें उस रियल लाइफ सॉफ्टवेयर पे काम करना हो, हमें उस रियल लाइफ सॉफ्टवेयर पे काम करना हो तो कैसे करें? तो बेटा आप जाएंगे accglobal.com पे, मेरी तरफ देखें, accglobal.com पे आप जाके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स एरिया ढूंढेंगे, तो खाली सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा और उस पर आपने जो सवाल प्रैक्टिस करना है कर लें, एक चीज। नंबर टू, अब ACCA इतना अच्छा हो गया है कि ACCA ने सारे लेटेस्ट जो पास पेपर है, लास्ट 2-4 अटेम्प्ट्स के जो पास पेपर है ना, वो सारे पास पेपर भी CV फॉर्मेट में ऊपर डाल दिए हैं, तो वो पास पेपर आपको रियल लाइफ क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं। कि देखो रियल लाइफ में जब आप पेपर दे रहे होगे, तो आधी स्क्रीन पे सवाल होगा, आधी स्क्रीन पे सवाल और आधी स्क्रीन पे आपको टाइप करना होगा, आधी स्क्रीन पे सवाल होगा और आधी स्क्रीन पे आपने वो सारा काम करना होगा, बात समझ रहे हो? तो वो रियल लाइफ तरीके के सवाल भी अब आपको रेडीमेड accglobal.com पे आ गए। तो हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप जब आप प्रैक्टिस करें, तो आप जाके उसी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस एरिया पे, यानी ACCA के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करें, ACCA के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करें, तो आप ज्यादा रियल वो फील करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन एनवायरमेंट होगा, बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें आपके साथ इंशाल्लाह कराई जाएंगी, कोई इससे बेफिक्र रहें, ठीक है? ओके देन।
फिर अच्छा देखें, ये मैंने आपके सामने कोर्स आउटलाइन एक नजर आपके सामने लिखी है। देखो ये सारी कोर्स आउटलाइन एक नजर आपके सामने लिखी है, एक नजर देख लें। पहले देखें ये सारे आईएएस और आईएफआरएस हमारे कोर्स का हिस्सा है, ये सारे आईएएस और आईएएस आईएफआरएस हमारे कोर्स का हिस्सा है, देख लें। देख लो बेटा एक मिनट, यहाँ देखें भाई। अच्छा देखो, अब इसमें से कुछ आईएएस आईएफआरएस आपने F3 में पढ़े हुए हैं, इधर देखें भाई आपने, मैं इसको हाईलाइट करते जाता हूँ। सुनो, IS1 प्रेजेंटेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड है, ये आपने पढ़ा हुआ है। SOCI, SOCI, SOFP के जो फॉर्मेट्स हैं, SOCI स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन SOFP, इनके फॉर्मेट्स, ये सारा प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है जो F3 में है। IS2 इन्वेंटोरी, IS2 इन्वेंटोरी भी आपने F3 में पढ़ा हुआ है। देन IS7, ये आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है कैश फ्लो के नाम से, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो थोड़ा पढ़ा हुआ है और थोड़ा आप यहाँ पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा IS10 आपने पढ़ा हुआ है, इवेंट्स आफ्टर दी रिपोर्टिंग पीरियड, अगर याद हो आपको, इवेंट्स आफ्टर दी रिपोर्टिंग पीरियड, इवेंट्स आफ्टर दी रिपोर्टिंग पीरियड याद है, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट वाला IS, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट वाला IS, IS10 आपने F3 में पढ़ा हुआ है, F3 में एग्जामिन होता है। देन IS16, IS16 PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IS16, IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये भी आपने F3 में पढ़ा हुआ, IS16 पढ़ा हुआ, यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। देन फिर आपने IS37 पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ है प्रोविजंस, आपने F3 में ये भी पढ़ा हुआ है, प्रोविजंस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स, प्रोविजंस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स याद है, जिसमें आप लोग पढ़ते थे प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अंस वारंटी प्रोविजन पढ़ते थे याद है, IS37 में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज पढ़ते थे, वर्चुअली सर्टेन ये सारी चीजें पढ़ते थे, ये सब भी यहाँ है। फिर IS38 भी आपने पढ़ा हुआ है, जिसका नाम था इन टेंजेबल एसेट्स याद है, इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट, जैसे गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है, सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल एसेट है आपका, देर इज पेटेंट्स इनटेंजिबल एसेट्स हैं, फॉर्मूलाज, रेसिपीज, स्किल्स, ये सब के सब इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ओके देन फिर अच्छा ये सारे आपने पढ़े हुए, फिर आपने IFRS 3, ये कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, ये कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, और IFRS 10 भी कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये दोनों कंसोलिडेशन से रिलेटेड है भाई, ठीक है। अब IFRS 15 भी F3 में थोड़ा सा है, स्लाइट, ये बहुत एडवांस स्टैंडर्ड है लेकिन F3 में जरा सा बेसिक था। अब बच्चे का यहाँ सवाल आया एक, देखें कुछ स्टैंडर्ड्स पे मैंने टिक मारा है, कुछ स्टैंडर्ड्स पे मैंने टिक किया है, वो सब F3 के हैं और बाकी बिल्कुल न्यू है। तो बच्चे ने कहा उस्ताद, एक सवाल किया बच्चे ने कहा, ऐसा तो नहीं करोगे, इधर देखो मेरी तरफ, बच्चे ने कहा ऐसा तो नहीं करोगे तुम कि तुम F3 वाले स्टैंडर्ड खा जाओ, तुम F3 वाले स्टैंडर्ड खा तो नहीं जाओगे, मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं F3 वाले स्टैंडर्ड 0 से पढ़ाऊंगा, क्योंकि F3 वाले स्टैंडर्ड F3 लेवल के भी हैं और कुछ एडवांस भी हैं, जैसे IS37 अब पुराना भी है और नई चीजें भी अंदर आएंगी, और IS38 पुराना भी है और कुछ नई चीजें उसमें ऐड होंगी, 16 ऑलमोस्ट पुराना है, कुछ चीजें नहीं है, 16 में कुछ चीजें नहीं है, लेकिन मैं 0 से ही शुरू करूंगा, यानी मैं बिल्कुल F3 लेवल से ही शुरू करूंगा, सिफर से ही स्टार्ट करूंगा। IS10 बिल्कुल सेम है, IS10 जो F3 में है वही F7 में, जो F3 में है वही F7 में सेम है, लेकिन भाई मैं F3 वाले IS भी कराऊंगा, क्योंकि ये एग्जामिन भी होते हैं, पहली चीज ये एग्जाम में आते हैं, 37, 38, 16, भाई ये 15 15, 20 20 मार्क के इन गुनहगार आंखों से मैंने देखे हुए, ये आते हैं। तो जितने भी आपने F3 में स्टैंडर्ड पढ़े थे, जितने भी आपने F3 में स्टैंडर्ड पढ़े थे, वो यहाँ वापस भी पढ़ाए जाएंगे, उसकी वजह क्या है, एक तो एग्जाम में आते हैं सबसे पहले, नंबर टू वजह क्या बताऊँ यार, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ऐसा भी कुछ बच्चा होता है जो F7 पढ़ रहा होता है, एक साल बाद उसने, एक साल पहले F3 पढ़ा है, अब एक साल बाद F7 पढ़ रहा है,
तो यार वो चीजें उसके जहन से निकल चुकी होती हैं, तो वो सारी चीजें मेरे बच्चों रिफ्रेश करने के लिए सब चीजें जरूरी हैं, पूरा प्रॉपर फुल फ्लेज पढ़ना होगा आपने, सही है। इसी तरह ये फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये पूरा के भाई स्टैंडर्ड दुनिया में कैसे आए और फ्रेमवर्क क्या चीज होता है, IFRS की पूरी हिस्ट्री, वो सब भी आपको यहाँ पूरी बताई जाएगी, वो पूरी यहाँ सारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सब यहाँ वापस से पढ़ाए जाएंगे और यहाँ भी एग्जाम में आते हैं। यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कराई जाएंगी और ये सब एग्जामिन होती है, सब एग्जामिन होती है, ओके राइट, ऐसा ही है। हाँ जी, अब सामने देखें, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ सबसे, देखते हैं आप लोगों की कितनी नॉलेज है। देखिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स के आगे नाम लिखा हुआ है IAS, देखो IAS, ये सब IAS है, IAS ये सब IAS है, हाँ। और कुछ के आगे लिखा हुआ है मैंने IFRS, देखिए मैं फिर बोलता हूँ, कुछ के आगे मैंने क्या लिखा हुआ था IAS, और कुछ के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, मुझे जवाब दो चैट बॉक्स में। चलो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, सुनो कि IAS और IFRS में क्या फर्क है, मुझे ये बताओ, स्पेलिंग का फर्क नहीं बोल रहा, स्पेलिंग तो है ही फर्क, IAS और IFRS में क्या फर्क है बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, एक बच्चे ने जवाब दे दिया, और बच्चे जवाब दें, IAS और IFRS में क्या फर्क है बताओ। गलत, एक बच्चे ने गलत जवाब दिया, कुछ नहीं होता, सुनो भाई बेटा, IAS वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो 2001 से पहले पहले दुनिया में इश्यू हुए हैं। IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड्स हैं जो 2001 से पहले लॉन्च हो चुके हैं, और जो 2001 के बाद लॉन्च हुए हैं ना वो IFRS हैं, लेकिन आज भी दोनों एप्लीकेबल हैं, दोनों एप्लीकेबल हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि जो भी अब नए 2001 के बाद जितने भी नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे वो IFRS के नाम से आएंगे, 2001 के बाद जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे वो IFRS के नाम से आएंगे, सही है। तो IAS और IFRS दोनों इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सुने, और दोनों आज तक एप्लीकेबल हैं, बस फर्क क्या है, जो 2001 से पहले पहले इशू हो गए दुनिया में वो IAS के नाम से हैं, और जो 2001 के बाद हैं वो IFRS के नाम से, सही है। स्टिल ये सब हमारे, जैसे अभी रिसेंटली लीजिंग का नया स्टैंडर्ड आया है तो IFRS 16 के नाम से आया है, रिसेंटली रेवेन्यू का नया स्टैंडर्ड आया तो वो IFRS 15 के नाम से आया, तो जितने भी नए स्टैंडर्ड आ रहे हैं IFRS के नाम से आ रहे हैं। एक बच्चे का सवाल है, अमेरिका हैज एक्सेप्टेड IFRS, नहीं, अभी अमेरिका ने IFRS को एक्सेप्ट नहीं किया, अमेरिका ने IFRS को एक्सेप्ट नहीं किया है, ओके राइट। नाउ मेरी बात सुने, इधर देखें, तो मेरे बच्चों ये सारी चीजें आपके सामने पेश की जाएंगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी, इसमें सारे मैंने अभी सारा, अभी मैं पूरा कोर्स सुना नहीं रहा कि यार किस स्टैंडर्ड के नाम भी मैंने नहीं लिखे हुए, वरना इसके अंदर IAS 41 एग्रीकल्चर का भी IAS है, गाय बकरों वाला, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट, अगर गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे रही है तो क्या होता है, यानी बड़ी जबरदस्त जबरदस्त बहुत बहुत वैरायटी वाला कोर्स है, बहुत वैरायटी वाला कोर्स है, राइट ओके राइट। अब मेरी यार सुने, पहले एक चीज सुने कि देखें बच्चों, इधर देखो, ये इस वक्त पेंडेमिक की वजह से कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात जहन में डाल लें, बिल्कुल क्लियर डाल लो कि ऑनलाइन काम हमारा नया काम नहीं है, हम लोग वो लोग नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ना, हमारा कई सालों से ये ऑनलाइन के ऑपरेशन चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुपर हिट चल रहे हैं, बड़े लीडिंग ऑपरेशन हैं,
यानी मेरी तो आप लोग जो बच्चे मेरे साथ फेसबुक पर अटैच हो आपको पता होगा मैं वी लॉगिंग भी करता हूँ और मेरी अपनी वीडियोस भी कितनी वायरल होती हैं अलहमदुल्ला आपको बहुत ठीक ठाक वीडियोस जाती हैं तो वो अब दुनिया के कितने मुल्कों में क्योंकि फेसबुक एक ऐसा बाजार है जिसमें दुनिया भर के लोग ऐड है तो वो थाईलैंड भी जा रही होती है वो बैंकॉक वो मलेशिया वो यूएस यूके हर जगह से देखी जा रही होती है और हर तरफ के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं अलहमदुल्ला हर तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। तो हमारा तो ऑनलाइन का जो हमने काम पास्ट में शुरू किया था वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया था लेकिन फिर अब लोकल लाहौर के कराची इस्लामाबाद हर तरह के बच्चे अब हमारे पास होते हैं और ये पेंडेमिक से पहले होते हैं लेकिन कुछ बच्चे इस ग्रुप में ऐसे हैं जो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ऑनलाइन ले रहे हैं। ठीक है तो मैं पहले एक चीज समझा दूं कि जो ऐसा बच्चा है जो पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन क्लास में आ रहा है सुनो तो वो ये समझ लें कि हम ये ग्रुप अभी ईद के बाद शुरू करेंगे यानी अभी अभी तो एक हफ्ते बाद ईद है एक हफ्ते बाद ईद है तो ईद आज तो ओरिएंटेशन थी ईद के बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है ओके और हम इस ग्रुप को ऑनलाइन तब तक लेके चलेंगे जब तक फिजिकल क्लासेस शुरू नहीं हो जाती पहले मेरी बात सुने जब तक लेट अस से अगर फिजिकल क्लास 15 सितंबर से शुरू होती है तो 15 सितंबर के बाद हम इसको फिजिकल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है लेकिन कुछ बच्चा ऐसा है इधर देखें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना ही चाहते हैं ऑनलाइन कुछ ऐसा एक कुछ क्या ऐसा बहुत बड़ा दरिया है ऑनलाइन जैसा समंदर एक बहुत बड़ा दरिया ऐसा है जो पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो ऑनलाइन हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन इज आर प्राइमरी थिंग। ठीक है उनको पढ़ाएंगे। अच्छा मैं एक और चीज बोलता हूँ मैं अपना ये मैंने खुद कई बार कैलकुलेट किया है और बल्कि अब तो एसीसीए पाकिस्तान हमें ये ऑफिशियली ये रिजल्ट भेजता भी है एसीसीए पाकिस्तान हमें ऑफिशियली रिजल्ट भेजता भी है कि जो बच्चे वाकई में F7 का बता रहा हूँ ये टेस्टेड है ये एसीसीए पाकिस्तान रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट को भेजता है और हम लोग गोल्ड ALP है हमारा अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स है हम। ठीक है तो मैंने कई बार अपना एसीसीए का पासिंग रेट कैलकुलेट किया ये मैं पक्का होश आवाज में बावजू होके बोल रहा हूँ तो मेरा एसीसीए का पासिंग रेट जो मेरे स्टूडेंट्स का होता है ना वो होता है 80% ये मैं हकीकत बता रहा हूँ 80% का पासिंग रेट है और इंटरनेशनल पासिंग रेट कितना होता है 50% लेकिन मेरे स्टूडेंट से मुराद क्या है ये भी मैं बता दूं डिस्क्लेमर दे दूं। देखो एक बच्चा वो होता है जो एडमिशन लेता है सुना एक दिन आया फिर 2 दिन गायब फिर एक दिन आया 2 दिन गायब फिर जॉब पे लग गया वो भाई टाइम ही नहीं है फिर कभी आता ये मेरा स्टूडेंट नहीं है मैं इसको अपना स्टूडेंट नहीं मानता मैं अपने आप को गंदा नहीं करना चाहता ये बस ईंधन है इसकी वजह से हमारे खर्चे निकल रहे हैं ये वो बच्चा है जिसकी वजह से हमारे खर्चे निकल रहे हैं हम दुनिया घूम रहे हैं याशियां कर रहे हैं इसकी भी बुराई नहीं करूंगा मैं गइबत नहीं करूंगा पैसे दे रहा है भाई ये भी लेकिन ये पासिंग रेट में हम इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये तो ये इसने पढ़ा ही नहीं। हाँ मेरा बच्चा वो है जो सारी क्लासेस लेता है बात मानता है जो मैं उसको असाइनमेंट देता हूँ वो करता है जो मैं उस मेरे साथ कनेक्टेड रहता है तो मैं उस बच्चे के लिए वो तो शायद मैं 100% गारंटी दे दूँ 100% ही पास हो जाएगा ऐसा इतना आराम से वो इतनी इतनी गेम सीख जाता है। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जो सीधी बात है जो सोतेला कर देते हैं अपने कोर्स को जो बस ऐसी दिल बहलाने के लिए आते हैं या बेचारे मजबूर होते हैं नहीं टाइम ही नहीं होता उनके पास शायद दुनिया में भी ऐसे बच्चे होते हैं कुछ ऐसा भी बच्चा होता है मैं देखता हूँ दुबई वगैरह का यानी एडमिशन लेता है और उसके बाद वो बेचारे के पास उधर जॉब का इतना बर्डन होता है कि सुबह 8 बजे से जॉब शुरू होती है उनकी कुछ जगहों पे तो इतना जुल्म है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एम्प्लॉयर काम लेता है तो यार वो बच्चा सुबह 8 से 10 जो काम कर रहा है वो रात को आगे ही पड़ ही जाएगा यार वो तो फिर उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं होगा यार वो कैसे पढ़ेगा। तो अगर कोई बच्चा कनेक्टेड ही नहीं है और जो बेचारा लेक्चर्स ही नहीं अटेंड कर रहा और अपनी मस्ती में तो मैं उसको अपना स्टूडेंट नहीं मानता बस वो एडमिशन ले लेता है लेकिन जो बात मानते हैं और जो तरीके से पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पास होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पास होते हैं। ये मैं आपको यानी एक वक्त लगा दिया यार आप मेरे YouTube चैनल पे भी जाके देख लें मैंने कितनी रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाई है यानी मेरा अपना रिसर्च डिपार्टमेंट है या IAS IFRS तो मैं अपने शौक से करता हूँ यार यानी मैंने कोक के ऊपर अकाउंटिंग की वीडियोस बनाई है कितनी कंपनीज की अकाउंटिंग के ऊपर मैं खुद रिसर्च करवाता रहता हूँ खुद भी करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। इवन अभी मैंने रिसेंटली के इलेक्ट्रिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है आप लोगों ने शायद देखी होगी कुछ लोगों को भेजी भी है मैंने कभी उस पे सर्कुलर डेट के इशू पे हम लोग बच्चों को समझाते हैं तो हम लोग ये काम कर रहे होते हैं साथ साथ। ठीक है तो अच्छा मैं आपके सामने अपने एडमिन का नंबर भी शेयर कर रहा हूँ अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ तो आप लोग एडमिन से भी कॉन्टेक्ट कर लें एडमिन से कॉन्टेक्ट कर लें और उनको अपने अपनी डिटेल्स बता दें। सुने
ये मैंने अपना भी नंबर लिख दिया 0300-2555-744। एक मिनट, हाँ सुनिए बेटा, ये आपके पास, ये मेरा नंबर भी आ गया, अंसार भाई का नंबर, इनसे आप लोग रुजू कर लें, और आपका देर इज ये हुसैन भाई का नंबर है, ठीक है। इन सबसे आप बात कर लें, इन सबसे आप बात कर लें, इनके पास रजिस्टर्ड हो जाएं आप लोग, ठीक है, राइट। अच्छा, एक सवाल आया, मैं उसका जवाब देना जरूर पसंद करूंगा। बेटा, हमारे ऑनलाइन के अंदर एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट भी मौजूद है, और वो पूरा टेस्टिंग डिपार्टमेंट, आप जो भी आईएएस करेंगे, आप उस टेस्टिंग डिपार्टमेंट को एक मैसेज करेंगे, सर मुझे टेस्ट सेंड कर दें, मिस मुझे टेस्ट सेंड कर दें, तो आपको टेस्ट सेंड करेंगे ऑनलाइन ही आपके व्हाट्सएप पे, आप वो सॉल्व करेंगे, उनको भेजेंगे, वो उसको चेक करेंगी, प्रॉपर आपको फीडबैक देंगी, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। तो हमारा टेस्टिंग डिपार्टमेंट ऑनलाइन का मौजूद है, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा अगर नहीं टेस्ट देना चाहता है, उसके पीछे हम पड़ जाए, तो फिर हम घर में घुस के नहीं मार सकते भाई, ठीक है, राइट। चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत, सर ग्लोबल पासिंग रेट्स इज हायर और लोअर देन पाकिस्तान। बेटा, पाकिस्तान का पासिंग रेट वो डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन ग्लोबल पासिंग रेट एक पूरी दुनिया की एवरेज शो कर रहा होता है, ग्लोबल पासिंग रेट। लेकिन इस पेपर का ग्लोबल पासिंग रेट भी अच्छा है, सही है, राइट। चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने अपना नंबर शेयर करना है, आपने अभी अभी अपना नंबर शेयर करना है अंसार भाई के साथ, सही, ताकि वो शायद आपका एक ग्रुप बना देंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।